अपने प्रत्याशी के समर्थन में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के वैर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। राजनाथ बोले कि मोदी और योगी के नेतृत्व में हमने वो कर दिखाया जो विपक्षी दल 70 सालों में नहीं कर सके। राजनाथ बोले कि आज यूपी में ऐसी तोप तैयार की जाती हैं जो 500 से 600 किलोमीटर तक मार करती हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं किसी भी पीएम को गलत नहीं कहता, क्योंकि पीएम व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था होता है। मगर एक वक्त था जब राजीव गांधी जी कहते थे कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो भ्रष्टाचार के चलते यूपी आते आते उसमें से महज 15 पैसा ही पात्र लोगों तक ही पहुंच पाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसे भ्रष्टाचार रोका जाता है। राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं लेकिन लोगों की जेब तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। मैं राजीव गांधी जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं हर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन उनकी बात बतला रहा हूं, उन्होंने लाचारी में क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंचता। मगर मोदी जी ने देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि अगर मोदी जी किसानों को 6000 रुपए देते हैं तो पूरा 6000 रुपया उनकी जेब तक पहुंचता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी अब बने तो उन्होंने बहन भाइयों चुनौती को स्वीकार किया और 56 इंच वाले हमारे छाती में हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा सिस्टम बना दिया, यदि 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिल्ली से चलता है तो 6000 का 6000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है आपके खाते में। यानी सिस्टम में बदलाव लाया जाए, व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाए तो भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं जब भी वैर आया हूं यहां के लोगों ने मुझे कभी निराश नहीं किया है और मैं एक बार फिर आपके सामने झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये झोली खाली नहीं रहेगी। बहनों भाइयों, कंठ के ऊपर से नहीं बल्कि हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, जब जब भी मैं यहां पर आया बहनों भाइयों, आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है, आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है। जब जब मैं यहां पर आया हूं, जब मैंने झोली फैलाई है, श्रीमती बिमला सोलंकी जब यहां से चुनाव लड़ रही थी उस समय भी आया, आप लोगों ने उन्हें जिताया। गौरतलब है कि बुलंदशहर में पहले चरण में मतदान होना है, जिसके चलते सभी सियासी दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके वैर में पहुंचे थे। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।